वेलकम है सुधा के किचन में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। तो आज जो सुधा के किचन में रेसिपी बनेंगे वो है बहुत जल्दी से बन जाएंगे आज हमारे शामी कबाब। तो आज हम शामी कबाब बना रहे हैं। तो आपने मेरे सब्जियाँ देखी हैं माशाल्लाह से, पुदीना, हरा धनिया और ये प्याज और लहसुन हमने लगाए हैं अपने गमलों में। तो मैंने आपको विज़िट कराया, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर चलते हैं किचन में। किचन में पहुंच चुके हैं, जल्दी से हमने ले लिया प्रेशर और हमारा ये आधा किलो कीमा है। हमने गोश्त नहीं लिया, ये कीमा लिया है और ये बड़े गोश्त का है। तो इसको जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हम डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन मैं आपको, ये हमारी चने की दाल है, ये हमने एक पाव लिया और तकरीबन ये हम घंटा दो घंटे हमने भिगो के रखी, ये ऐड कर देंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हमने चने की दाल डाल दी, आपको बता दिया कि वो दो घंटे हमने भिगो के रखी थी, एक तौली थी। और ये हमारा एक गट्टी हमारा लहसुन है और एक दो इंच का हमारा अदरक का टुकड़ा है, हमने उसको काट लिया छील के और ये हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे ये मसाले, खड़े मसाले हैं हमारे तीन, हमारी दो बड़ी इलायचियाँ और एक सफ़ेद इलायची है, एक चम्मच हमारा सूखा धनिया है और एक चम्मच हमारा ज़ीरा है और आधी चम्मच हमारी काली मिर्चें हैं। और उसके बाद आ जाती है बादियान का, तीन फूल है हमारे छोटे टुकड़े में, टुकड़ा है ये। और उसके बाद ये तेज़पत्ता है एक और दो इंच के, ये हमारे दालचीनी है हमारी दो। और उसके बाद ये दो टेबलस्पून हमारी ये लाल मिर्च है, गोल हैं ये, साबुत हैं। और ये छः सात हमारे ये लौंग हैं, तो ये हम ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पिसे हुए मसाले, एक टीस्पून हमारी ये हल्दी है और एक टीस्पून हमारा चाट मसाला और एक टीस्पून हमारा नमक, एक टीस्पून हमारा पिसा वगैरह मसाला, एक टीस्पून से आधी टीस्पून है हमारी काली मिर्च, ये भी हम ऐड कर देंगे। डेढ़ चम्मच डेढ़ है ये हमारा डेढ़ प्याज है, ये कह रही थी मैं, एक बड़े साइज का प्याज है और एक हमने आधा ले लिया। और उसके बाद आ जाती ये 10-12 हमारी मिर्च हैं, ये ग्रीन है और ये हमने ले ली है तेज़ वाली। आप लोग अपने स्पाइसेस जो हैं वो अपने हिसाब से डालें, तो ये हम ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एक गिलास पानी जाएगा, ये देखें जी हमारा दो गिलास पानी ऐड कर दिया हमने। अब हम जल्दी से प्रेशर को करते हैं बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी हमने चूल्हा ऑन कर लिया था, प्रेशर हमने ऊपर रख दिया है। अब जल्दी से हमारा 10-15 मिनट के लिए हमने प्रेशर बंद कर दिया है, जब तक ये सीटी नहीं बजेगी हम इसको खोलेंगे नहीं। जब तक आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से प्लीज़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाएं और फिर हमारी मज़े मज़े की आप लोगों को वीडियो मिल जाएंगी। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को मिल जाए। और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और कामयाबियां अता करे, जिस तरह अल्लाह ताला मुझे आहिस्ता आहिस्ता कामयाबियां दे रहा है इसी तरह आप लोगों के लिए भी हो। मेरी आप लोगों के लिए दुआ है और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। तो आज आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है रेसिपी के बारे में भी, और जो मैंने आपको अपनी धनिया पुदीना और ये थोड़ी छोटी छोटी सब्जियां दिखाई हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी मैंने टमाटरों की आप लोगों को पौधे नहीं दिखाए, अब नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेशर हमने खोल लिया है, 15 मिनट से ज़्यादा हमने इसको प्रेशर लगाए रखा, अभी हमने खोला है तो अभी आपको दिखाते हैं। ये देखें भाई माशाल्लाह हमारा कीमा, दाल और सारी चीज़ें पक चुकी हैं। अब हम इसकी अच्छी तरह से करेंगे भुनाई, भुनाई करने के बाद फिर हम इसके कबाब बनाएंगे।
ये देखें जी, हमारा जो है शामी कबाब का मिक्सर वो तकरीबन पक चुका है। देखिए हमने इसको अच्छी तरह पकाना है कि इसके अंदर पानी ना रहे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने पानी चला दिया है। और अब हम जल्दी से इसे निकाल लेते हैं और ठंडा करते हैं। और एक ये बात है कि मेरे पास मशीन नहीं है, मैं इसको पीसूंगी हाथ से, तो जरा आप देखिएगा कि मैं कैसे पीसूंगी। मसाले की चीजें कुछ भी वो नजर ना आए, मुंह में हमारे ना आए, वो बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सामने सॉफ्ट मिक्सर पीसना है। ये देखें जी, हमारी चीज़ें पीस रही हैं। चीज़ें किसी की मोहताज नहीं होती कि वो चीज़ फलां चीज़ हो तो उसी में पीसेगी, नहीं, हर चीज़ में मेहनत होती है, मेहनत करें तो देखें जी हम कितनी मेहनत करें, कड़ी मेहनत करें। मैं अब मेरे हाथों में भी दर्द हो चुका है, तो ये देखें हम इस तरह इसको पीस चुके हैं बहुत अच्छे से। हमारा धनिया और पुदीना वो भी हमने काट के रख लिया है, तो बस अभी ये बिल्कुल पीस ही चुका है, थोड़ा सा रह गया है। मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ, आप लोग ये ना सोचें कि सुग्रा जो है वो मशीन में कर रही हैं। यकीन करें मशीन नहीं है, मैं हाथ से कर रही हूँ। तो बस अभी ये हो चुका है, तो अभी हम मिक्सर को तैयार करके फिर आपको दिखाते हैं। चले जी, अल्लाह का शुक्र है हमारा मिक्सर जो है वो रेडी हो चुका है। हमने ग्लव्स पहनी है, और हमारे ये 3 अंडे हैं हमने रखे, इनको तोड़ लेते हैं और फिर हम इसमें शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन ही डाल देते हैं हम लोग। ये हमारा हरा धनिया और पुदीना जो हमने काट के रखा था ये ऐड कर देते हैं। ये देखें जी, हमारा मिक्सर जो है वो हमने रेडी कर लिया ग्लव्स पहन कर, और अब हम ग्लव्स उतारेंगे और इसके कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पानी ले लिया है और ट्रे में हमने एक जो थैली है वो हमने लगा ली है, प्लास्टिक लगा ली है। और अब हम मिक्सर लेंगे और इसको यूं गोल गोल घुमाएंगे, और फिर हम इसके शामी बनाएंगे और थोड़े कोशिश करेंगे कि अच्छे बने। मेहनत हमने इन पे बहुत ज़्यादा की है, अब अल्लाह करे कि अच्छे बने। और आप लोगों को अभी रेसिपी कैसी लगती है, कोशिश मैं कर रही हूँ, मेहनत मैंने काफ़ी की है कि आप लोगों को पसंद आए। अब फिर भी देखते हैं कि आप लोगों को कैसी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शामी कबाब हमने 25 मिनट के लिए हमने ऊपर रख दिया था फ्रीज़र में, तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी हम डालते हैं इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम चेक करते हैं कि हमारे शामी जो हैं वो कहाँ पहुँचे हैं। आहिस्ता आहिस्ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अभी हम इनको पलट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, देखिए बहुत अच्छा कलर आया है। तो इसी तरह हम लोग ये सारे पलट लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं।
दोनों तरफ इतना अच्छा कलर आया है, तो अभी हम इनको निकालेंगे। एक हमने बाद में ऐड किया है तो वो अभी पक रहा है, वो थोड़ा कच्चा है, तो सबसे पहले हम ये पहले वालों को निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए हैं, और मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं टूट ना जाए, मगर अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत अच्छे बन गए हैं। ये देखें जी, हमारा एक अकेला जो है वो पक रहा है, दूसरे मैंने अभी फ्रीज़र में रखे हैं, मैंने कहा थोड़े से वो और होंगे तो फिर हम लोग उनको करेंगे। ये आंच का ख्याल रखना है कि स्लो पे बनाएं, एक दफ़ा हीट पे बनाएं ताकि थोड़ा ऑयल गर्म हो जाए, तो फिर स्लो कर दें, फिर ये अच्छे से अंदर तक पकेंगे। फाइनली अल्लाह का शुक्र है हमारे जो शादी कबाब है वो रेडी हो चुके हैं, तो बच्चे भी आ चुके हैं, इनको सर्व कर दिया है, अभी ये टेस्ट करेंगे कि आज इनके अभी ये कबाब कैसे बने। चले बच्चों खाओ, रेडी खाओ, टेस्ट करो कैसे बने हमारे शादी कबाब। सेहत दे, और मैंने तो बहुत मेहनत की है, आप लोग प्लीज चॉपर में मिक्स कर लीजिएगा।